कहानी 42वीं यीशु रा स्वर्ग जो वापस चढ़ना। जिस दिन परमेश्वर ने यीशु जो मरीरे में ते जिंदा कित्या, तीसरे दो चेले नजदीका रे गांव जो जाने लग रहे थे। जानते हुए से जो यीशु कने हुआ तेरे बारे च बात करने लग रहे थे। तिना जो यकीन था बई से मसीह था, पर तब भी से मारिता और से औरता बोलाई बई से दोबारा जिंदा होगा। से नहीं जानते थे बई किसा बाता पर भरोसा करिए। यशवा ने तिना गे आई के तिना कने चलना शुरू करीता, पर से तिसो पछाणी नहीं सके। तिने पूछया बई से किस बारे च बात करने लग रे। तिने तिसो यशवा कने जो हुआ से सारी बात बताई। तिने सोचया बई ये परदेसी आ जिसो नहीं पता बई यरूशलेमा च क्या हुआ। तब यशवा ने तिना जो बोलया, परमेश्वर रा वचन मसीह रे बारे च क्या बोला? बहुत पहले भविष्यवक्ता ने बोलिया था भई बुरे लोग मसीह जो दुखी कर गए और तिसो मारी देंगे। भविष्यवक्ता ने ए भी बोलिया था भई से तीजे दिन जिंदा हो जाना। जब से तिस नगर च पहुंचे जिथी तिने रुकना था, तब रात हुई गई थी। तिने यशवा जो अपू कने रुकने जो बोलिया, तब से तिना कने एक घर च गया। राती रे खाने खतर से बैठी गए। यशवा ने एक रोटिया जो लेके परमेश्वर रा शुक्रिया कित्या और तब तीते जो तोड़या। एकदम तिना जो पता लग्या भई ये यशुआ। तीसरे समय से तिना गेते गायब हुई गा। तिना दो आदमी ने एक दूजे जो बोलिया, ये यशु था। इतने खतर जब तिने ऐसा जो परमेश्वर रा वचन सुनाया तो असे बहुत खुश थे। तीसरे समय से वापिस यरूशलेमा जो चली गए। जब से पहुंचे तब तिने चेल्या जो बोलिया, यशु जिंदा असे तिसो देखिया। जब चेले बात करने लग रहे थे, यीशु एकदम तिना सामने आएगा। तिने बोलिया, तुसा जो शांति मिलो। चेल्या ने सोचा बई से कोई भूता, पर यीशु ने बोलिया, तुसे क्यों डराए? तुसे क्यों नहीं सोचदे बई आऊं यीशु आ? मेरे हाथ और पैरा जो देखो, भूता गे एड़ा शरीर नहीं हुंदा जेड़ा मंगिया। ए बताने खातर बई से कोई भूत नहीं आ। तिने खाने जो मंगिया, तिने तिस जो मछली रा एक टुकड़ा दित्या और तिने से खाईला। यशुआ ने बोलिया, मेरे बारे परमेश्वरे जो कुछ बोलिया से उई जाना। मैं तुसा जो बताईता था भई तेरा होना जरूरी आ। तब यशुआ ने तिना जो परमेश्वर रा वचन सुले समझाया। तिने बोलिया, बहुत पहले यहूदी पुजारी ने लिखा था भई मिंजो मसीही जो दुख भोगना पड़ना, मरना होना और तीजे दिन मरे हुए ते जिंदा होने पड़ना। तीनों भविष्यवक्ता ने लिखा भई मेरे चेले परमेश्वर रे वचना रा प्रचार कर गे, से हर लोका जो पापारी माफी खतर बतांगे और जे से एड़ा कराए तो परमेश्वर तीना रे पापा जो माफ करगा। मेरे चेले इस संदेशा री शुरुआत यरूशलेमा ते शुरू कर गे, तब से सब जगह और सब जातिया च जांगे। तुसे लोग मेरी हर बात और काम रे गवाह होने जो मैं बोलिया और कित्या और जो माँ कने हुआ। अगले 40 दिना तक यीशु अपने चेल्या सामने कई बार आया। एक बार तो से एक समय 500 लोग का सामने आया। तिने अपने चेल्या पर कई तरीके कने साबित कित्या बई से जिंदा और तिने तिना जो परमेश्वर रे राज्य रे बारे च बताया। यीशु ने अपने चेल्या जो बोलिया, परमेश्वर ने मिंजो स्वर्ग और धरती रे हर जना पर राज करने रा अधिकार दीती रा। इत्ते खतर आऊं तुसा जो बोला, जाई के सभी जाता रे लोग का जो चेला बनाओ, एड़ा करने जो तुसे तीना जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रे नाम ते बपतिस्मा देना जो मैं तुसा जो बताया। तीना सारी बाता जो तीनाओ सिखाओ और सुनो, आऊं सदा तुसा कने रहना। यशु ने मरी के जिंदा होने रे 40 दिना बाद तिने अपने चेला जो बोलिया, जब तक मेरा पिता तुसा जो समर्थ नहीं देंदा तब तक यरूशलेमा च ही रहना, से तुसा पर पवित्र आत्मा भेजी के एड़ा करगा। तब यीशु स्वर्ग जो चलेगा और एक बदला ने तिसो तिना रे सामने छुपाईता। स्वर्ग च यीशु ने शासन करने खतर परमेश्वर रे दाहिनी ओर बैठेगा।